गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू भाई केडी व्लॉग्स। तो भाई आज अपना पहला दिन है भाई, फर्स्ट डे ऑफ आर न्यू सेमेस्टर ऑफ FIC एंड SFU। ठीक है, तो आज अपनी पहली क्लासेस है और भाई पहली है मैथ्स की एंड सेकंड आपको पता चल जाएगी कौन सी, मेरे को खुद याद नहीं है क्योंकि भाई एक दिन में मैंने अब दो क्लासेस लगा ली है क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ सिर्फ दो दिन जाऊँ FIC, तो उस चक्कर में अब भाई दो दो क्लासेस होगी और काम अपना ख़त्म दो दिन में ही। तो बाकी अब आज का आउटफिट अपना ये है भाई, नए शूज़ लिए आज तेरे भाई, आज आप लोगों के भाई ने नाइकी एयर, गाइस नाइकी एयर चल निकल लिए हैं और भाई अब पहुँचते जल्दी से SFU और फिर आप लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो। रास्ते के नज़ारे लो अब आप। अपना SFU, ठीक है, ये भाई मेन यहाँ का बस स्टैंड है भाई, पहाड़ है अपना भाई, छोटा सा झरना है गाइस, लेक है अपनी छोटी सी उधर, और वो सामने पार्किंग एरिया सारा भाई, इधर मार्केट एरिया, इधर सारी शॉपिंग वॉपिंग, और ये बैठने का अपना फ्री एरिया है, सिस्टम सारा मस्त है, और क्लासिक है, देख लो कितनी ज़्यादा मस्त हो रखी है। और भाई आज तो अब की इस जनवरी इंटेक में ना सच्ची में SFU में भाई बहुत इंडियंस आए हैं, अब हमें लग रहा है हाँ भाई थोड़ा सा अपना सिस्टम हुआ है। एक भाई मैं हमेशा से कहता था भाई इंडियंस तो है ही नहीं, अब की बार भर के इंडियंस आए हैं जो इस सेमेस्टर में, सारे नए नए स्टूडेंट सारे इंडियंस हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा देख के। बाकी सही है, सिर्फ इंडियंस नहीं, चाइनीज़ भी, अफ्रीकन्स भी, लॉट्स ऑफ, और पेरू के तो भाई हमेशा जाते हैं, तो सिस्टम मस्त है। अब भाई अपनी क्लास का टाइम रखा है तो भाई चलते क्लास में एंड लेट्स गो। अपनी क्लास वो वाले जो उसमें घुस गई, हम भी घुस जाते हैं और फिर आपसे क्लास के बाद मिलते हैं। चलो भाई हमें ना ये चाइनीज सिस्टम मिला है, डू योर बेस्ट एंड गेस। मेरा कुनाल है भाई, यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये हमें नया भाई मिला एक, तो ये अपने आप को इंट्रो करा रही है और भाई सामने अपनी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। स्ट्रगल के बाद अभी भी चल रही है स्ट्रगल, बाकी क्लास अपनी खत्म हो चुकी है, बस हम ही बैठे भाई, हम ही सॉल्व कर रहे हैं। जी भाइयों, मैथ्स की क्लास भी डन, सारे काम डन, ठीक है, अब फाइनली भाई पहुंच चुके हैं घर पे एंड फाइनली भाई शांति मिली क्योंकि भाई सेकंड क्लास थी अपनी स्टैट्स की एंड स्टैट्स एज एक्सपेक्टेड वैसे उससे भाई बहुत अलग था, काफी कुछ अलग पढ़ रहे हैं तो भी फिलहाल ग्राफ्स वगैरह का ही चक्कर है भाई यहाँ पे ना, मैथ्स और लाइक कोई भी कोर्स है भाई हर एक में ग्राफ्स बड़े घुसा रखे हैं, लेकिन कनाडा का भाई ये सिस्टम है। तो भाई अगर आप मैथ्स की लाइक भाई FIC में मैथ चेक वगैरह होते हैं तो बस एक टिप दूंगा कि अपनी भाई ग्राफ्स की ज़्यादा तैयारी रखो, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज पहली मैथ्स की क्लास थी ये वाली, तो आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेड था कि हाँ आई विल डू गुड और भाई अच्छा ही किया, लाइक सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए बहुत अच्छे से, लाइक जो आपकी बार इंस्ट्रक्टर है ना हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है बल्कि, एंड उसका नाम वाम डिस्क्लोज कर ही देता आपको, हर नेम इज एक्स, ठीक है, बाकी चलो बता देता हूँ, हर नेम इज डॉक्टर शिवा, ठीक है, और फिर हमारा भाई जो स्टैट्स का टीचर है भाई वो सिर्फ एक ही है तो सबको एक ही मिलता है, डॉक्टर स्कॉट भाई, अब बंदा अच्छा बहुत, मैं नहीं कहूँगा बंदा बेकार है, बहुत अच्छा है, पर भाई एक दिक्कत है उसकी डॉक्टर स्कॉट की, भाई बिल्कुल लास्ट के टाइम पे छोड़ता है, बाकी सारे इंस्ट्रक्टर होते भाई आखिरी है, बच्चों घर पे जाना है, दूर दूर से आते हैं भाई, मैंने सोचा था हफ्ते में लाइक अब मैं सिर्फ हफ्ते में दो दिन कॉलेज जा रहा, आप लोगों को बताया था मैंने, तो उस चक्कर में अब मेरी क्लासेस होती है, टाइम टेबल क्या है मेरा कि भाई एक होती है 1:30 से 5:30 और फिर एक होती है 5:45 से 9:45 रात को, हम मेरे को एक्सपेक्टेड था भाई आज पहली क्लास है आज तो कम से कम 8 बजे छोड़ देगा भाई, 1.5 घंटे पहले छोड़ देगा, बट भाई उसने पूरे 9:45 पे छोड़ा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम होगी, लाइक मेरी भाई जो ये वाली बस है ना इसका भाई टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा ही वैसा ही रहता है, इन द सेंस रात को भाई ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, इसकी आखिरी 10:30-11 बजे ख़त्म हो जाती है बस, उसके बाद भाई बड़ी दूर से सरी सेंट्रल से घूम के आना पड़ता है, लोहिड़ से नहीं आया जाता, तो बस अब वो उस सारे चक्कर में मैं बिल्कुल बस स्टॉप पे उतरा एंड वो बस मेरे सामने से गई, आज ऐसा सीन हुआ और उसकी वजह से भाई अब मैं घर पे पहुंचा हूँ एंड लुक एट दिस भाई 12:54 यानी कि रात के 1 बज रहे हैं एंड अब मैं घर आया हूँ, तो डॉक्टर स्कॉट यार थोड़ा सा रैम करा करो बच्चों पे, पर हाँ चलो ठीक है, अब 2 ही दिन है छुट्टियाँ सॉरी कॉलेजेस, तो अब कल बाकी कल जॉब है यार, अब दोबारा उठना है
1 बजे तो सो रहा हूँ, देखेंगे कैसे क्या करेंगे। बाकी जॉब का भी ठीक है स्केड्यूल, अब तो भाई नाइट शिफ्ट कम मैं कर नहीं रहा, डाइनिंग हॉल में बस 3:30 बजे की है, तो उस हिसाब से आराम से उठ के आराम से चले जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बाकी भाई आज का दिन बड़ा स्ट्रगल का था, फर्स्ट डे था एंड निकल गया भाई। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज टू गुड एंड भाई जो भी बच्चे कर रहे हैं भाई SFU आने की तैयारी भाई आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के हाथ में भाई, आपको जैसे क्लासेस लगानी है वैसे लगाओ। मॉर्निंग मैंने पिछले सेमेस्टर में अपनी सारी मॉर्निंग में लगाई, इस बार मैं थोड़ी सी अलग ट्राई कर रहा हूँ, इवनिंग की एंड थोड़ी सी आफ्टरनून की, ये वाली सबसे बेस्ट है, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा टाइम टेबल का चक्कर है। एंड अब मैं इसको कंसिडर लाइक मेरे को समझ में आ गया इसको कैसे हैंडल करना है, तो अगली बार जैसे ही ख़त्म होते हैं ना, अगर अब हम स्प्रिंट मार के पहुंच जाएंगे ना बस स्टॉप तक, तो मैं बिल्कुल आराम से टाइमली घर पहुंच जाऊंगा, इतना मैंने एक्सपीरियंस कर लिया आज, तो उस हिसाब से अब यही काम करना है। बाकी भाई हर एक को अपना तरीका ही जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हर कोई घर जाता है, हम भी घर पहुंच जाएंगे भाई, थोड़े से लेट पहुंच जाएंगे पर पहुंच जाएंगे। बाकी गाइस दैट्स इट, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, एंड उम्मीद करता भाई आप लोगों को मेरा फर्स्ट दिन एट FIC बहुत बहुत पसंद आया होगा, और भाई मैं भी पूरा सेटिस्फाइड हूँ, तो दैट्स इट। एंड भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड भाई जिसको भी कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम है जाके DM कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं भाई कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड आफ्टरनून, और भाई अपना ख्याल रखें।